तो हमारे को दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। दिल्ली में देखो तीन चार चीज़ों का बहुत स्कोप, तो दिल्ली को ट्रेड के लिए हर तरह से डेवलप होना चाहिए। चाइना की अपनी स्ट्रेंथ है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, बट हम में भी अपनी स्ट्रेंथ है, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे देश का सामान यहाँ पे आके बिके, खरीदार पूरी दुनिया से आए, उसके काम करने की जरूरत है। दूसरा दिल्ली के अंदर देखो एजुकेशन और हेल्थ का बहुत स्कोप है, बट ट्रेड का बहुत स्कोप है, किसी भी तरह का ट्रेड। तो हमारे को दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। दिल्ली में देखो इंट्रिंसिक जो अपना कहते हैं ना नेचुरल जो नैसर्गिक रूप से है, तीन चार चीज़ों का बहुत स्कोप है। एक तो जो सेंटर में होने की वजह से दिल्ली में सदियों से मतलब हजारों साल से ट्रेड का हब रहा है, और वो अभी भी ट्रेड का हब रहने की गुंजाइश है। पर पिछले कुछ सालों के अंदर एक वर्ड निकाला गया डिसेंट्रलाइजेशन, कि दिल्ली से उठा उठा के गुड़गांव फेंक दो, नोएडा फेंक दो, ग्रेटर नोएडा फेंक दो, सबको दुखी कर दिया। अरे भाई दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, ट्रेडिंग के सेंटर में तो कोई बुराई नहीं है। तो दिल्ली को ट्रेड के लिए हर तरह से डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे देश का सामान यहाँ पे आके बिके, खरीदार पूरी दुनिया से आए और सामान पूरे देश से आए, तो दिल्ली एक उसके अंदर गुंजाइश है पूरी तरह से, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा दिल्ली के अंदर देखो एजुकेशन और हेल्थ का बहुत स्कोप है। यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है, वो मैं मानता हूँ, कुछ जगह नहीं है, लैंड नहीं है ज़्यादा, जमीन नहीं है, बट ट्रेड का बहुत स्कोप है, किसी भी तरह का ट्रेड हो। अगर उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो मुझसे पनपने में सालों लगेंगे, और आप लोग ट्रेड का ही पार्ट हैं। जो एग्जीबिशंस हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर्स, तो आप बिज़नेस से कंज्यूमर तक डायरेक्ट जा रहे हैं, तो ट्रेड का ही एक पार्ट है। मैं जो आपको पहले बताया था कि भाई अगर मान लो हमारी सारे साल ऐसी एग्जीबिशन चलती रहें कभी किसी चीज़ पर, बड़ी बड़े स्केल पर जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, इंडियन भी होते हैं उसके अंदर, फॉरनर्स भी होते हैं। अब मान लो कोई इंडियन ही है, लंदन से आया, अब वो एक बार साल में एक बार आया तो पूरी फैमिली की शॉपिंग नहीं करके जाए ना, पर ऐसा होता नहीं है, करनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि उस पर टाइम कम होता है तो मौका ही नहीं मिलता कि कहाँ से करें। अगर एक सेंटर एक पॉइंट है कि यहाँ से ले जाओ, ये सारी शॉपिंग यहाँ से कर लेने जाके, कि अगर एक बार दिल्ली आ गए तो पूरी फैमिली की एक साल की शॉपिंग करके ले जाओ, तो उस तरह का मौका हमें देना चाहिए। चाइना की अपनी स्ट्रेंथ है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, बट हम में भी अपनी स्ट्रेंथ है, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। चाइना के अंदर हर आदमी जाना नहीं चाहता, हिंदुस्तान में आना चाहता है। हिंदुस्तान बहुत अच्छी बेटर जगह है, दिल्ली का तो वैसे ही नाम है। मुझे लगता है इस तरफ हम बढ़ेंगे, और मुझे लगता है इस एग्जीबिशन का जो आपका टैलेंट है उसके अंदर हम यूज़ करना चाहेंगे।